हेलो दोस्तों, आप भी ज्ञान स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सिलेक्शन दिलाने वाले साइंस के प्रश्न पार्ट टू आपके बीच लाया हूँ दोस्तों, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों, अगर इस प्रश्न को इस वीडियो को आप डेली बाय डेली देखते हैं तो एक दिन आपको निश्चित रूप से यह साइंस के प्रश्न आपको सिलेक्शन दिला के रहेगी। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सिलेक्शन दिलाने वाले साइंस के प्रश्न में कौन कौन से प्रश्न है दोस्तों। पहला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो दोस्तों, सबसे लंबी कोशिका जो है न्यूरॉन है। कौन? न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, जिसे तंत्रिका भी कहते हैं, जिसे तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? कौन सी धातु जो है कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है? दोस्तों, वह धातु जो है कौन सा है? पारा। पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है, जिसे Hg। दोस्तों, पारा जो है कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अधातु? दोस्तों, यहाँ पर धातु पूछा है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है? अधातु। कौन सी अधातु कमरे में तापमान पर कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? दोस्तों, यहाँ पर धातु पूछा था, यहाँ पूछा है अधातु। सेम सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर धातु है और यहाँ पर अधातु। यह ध्यान देने वाली बात है कि पेपर में पूछे कि धातु कौन सी है, तो पारा है। कौन सी? पारा। अगर वहीं पर अधातु पूछे तो अधातु आपका ब्रोमीन हो जाएगा। क्या? ब्रोमीन। ब्रोमीन ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है। क्या है? अधातु, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्गदाता रक्त समूह कौन सा है? स्वर्गदाता रक्त समूह कौन सा है? दोस्तों, स्वर्गदाता ऐसा रक्त समूह जो सभी को दे, सभी को दे, वही स्वर्गदाता समूह रक्त समूह कहलाता है। दोस्तों, स्वर्गदाता रक्त समूह ओ निगेटिव है। कौन सा? ओ निगेटिव। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि पेपर में ओ भी देता है और ओ निगेटिव भी देता है, लेकिन दोस्तों जो स्वर्गदाता रक्त समूह है वो ओ निगेटिव है। कौन? ओ निगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, राकेट की उड़ान न्यूटन के किस नियम पर कार्य करती है? राकेट की जो उड़ान है वह न्यूटन के किस नियम पर कार्य करती है? तो दोस्तों, न्यूटन के तीसरे नियम पर कार्य करती है। कौन से नियम पर? तीसरे नियम पर, जिसका नाम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। राकेट की उड़ान न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर कार्य करती है। दोस्तों, ये था आज का सिलेक्शन दिलाने वाले साइंस के प्रश्न। दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो या क्वेश्चन सिलेक्शन दिलाने वाले प्रश्न आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि यह वीडियो अच्छा लगा कि नहीं लगा आपको। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।